की उम्मीद थी वो नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके अपने आंकड़े दिखाते हैं। 2016 में किसान की आय 6,000-8,000 रुपए महीना थी, होनी चाहिए थी 21,000। सरकार की अपनी डबलिंग इनकम कमेटी कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि सन 2022 तक किसान की इनकम 21,000 करनी चाहिए। और हुई कितनी है? 2019 तक 10,218 रुपए हुई थी। आज की तारीख में आंकड़ा तो दिया नहीं, मैक्सिमम कर लो तो 11,500 हुई है। 21,000 होनी थी, 11,500 हुई है, वही की वही खड़ी है। इसलिए बोल नहीं। इस बजट से उम्मीद थी किसान को कि भाई दो साल से किसान ने इस देश को अपने कंधे पे रखा है, सारी चीजें फेल हो गई इस देश में, सिर्फ खेती किसानी कामयाब है। एक इनाम की उम्मीद हो सकती थी, उसमें हमारी वित्त मंत्री झूठ बोल गई, कह दिया रिकॉर्ड खरीद हमने एमएसपी की है, 2,37,000 करोड़ रुपया किसान को दिया है। सारे मीडिया ने समझ लिया सरकार ने कोई नई स्कीम निकाल के 2,37,000 करोड़ रुपया दे दिया है। ये किसान की फसल की खरीद का पैसा था जो पिछले साल की खरीद से कम है, पिछले साल से खरीद की क्वांटिटी कम है, किसानों की बेनिफिशियरी कम है और पैसा जो दिया गया वो कम है। तीसरी उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र को अब पहली बार इंसाफ मिलेगा, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद पहला मामला था बजट का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय बजट में कृषि का हिस्सा कम कर दिया गया, 4.26% हुआ करता था पिछले साल, उसे घटा के 3.84% कर दिया। और ये ऊपर से कह रहे हैं ताली और बजाओ इसपे, रूरल डेवलपमेंट का पैसा पहले से प्रपोर्शन में कम कर दिया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा कम कर दिया गया है, एमएसपी की खरीद की जो आशा योजना थी वो खत्म कर दी गई है, और ऊपर से कहा जा रहा है कि किसान के लिए हमने क्या कुछ कर दिया है। नरेगा का खर्चा पिछले साल 98,000 करोड़ रुपए हुआ था और इस साल का बजट 72,000 करोड़ रुपए कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस सरकार के किसान विरोधी रुख से परिचित है और सरकार से एक ही निवेदन है, आपको आंदोलनकारियों से दिक्कत है, हमको जेल डाल दो सबको, किसानों से बदला क्यों ले रहे हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। इस सारी बात के बाद अब मैं राकेश टिकैत जी से अनुरोध करूंगा।